हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ठीक होंगे। मैं तो यहाँ ठीक हूँ, लेकिन मम्मा की तबीयत अभी भी ढीली ढीली है। सुबह डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने बोला है कि जो कल की रिपोर्ट्स में आपको दिखा रही थी उसमें चेस्ट में इन्फेक्शन दिखा रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन है उनके, और निमोनिया का पैच तो नहीं है बट कुछ इन्फेक्शन है जो अभी स्मॉल नोड्यूल होता है कुछ वो है, और स्मॉल और लार्ज नोड्यूल, तो अब वो धीरे धीरे हटेगा। तो मम्मा को 5 दिन एंटीबायोटिक चलनी है, अभी दूसरा दिन है। अभी 3 दिन मम्मा ने और यहीं रहना है, राखी भी यहीं है, उसके बाद 2 दिन और यहीं है, तो कल मैं जाऊंगी राखी। सारे सारे दिन तो और यहीं है? नहीं नहीं, जन्माष्टमी ही यही है। पापा का फोन आ रहा है पीछे से। तो जन्माष्टमी नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं 5 दिन में तो जन्माष्टमी नहीं आएगी। हाँ, जन्माष्टमी तो भाई सोमवार की है, तो सोमवार ही आएगी अगले सोमवार। तो तब तक तो मम्मा आराम से घर आ जाएगी। हमारे 2 लड्डे गोपाल जी हैं, उनको नहलाना है धुलाना है, आप ही करोगे। तो बड़े सारे कपड़े उनके लिए हूँ मैंने नए। तो यहाँ पे चल रही है दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, वही है ना मूवी। तो मैं ये मम्मा बोलती हूँ, माधुरी दीक्षित और ये श्रीदेवी, ये सब अपने टाइम में इतने चले हैं कि हम भी इनको देख देख के ही बड़े हुए हैं ना अम्मा। लो कर लो पापा से बात, पापा फोन करे जा रही है। तो मैं अभी घर आई थी, मैंने सोचा कि एक बार मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, सर्वर धो के फिर जाती हूँ। इतनी देर में कन्नू चले गया, कन्नू है मम्मा के पास थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि बस यहाँ पे पापा को एक बार रोटी भी बना जाती हूँ, और 8 बज रहे हैं अभी यहाँ पे, तो 8 बजे मैं पापा को रोटी बना जाती, मतलब 8:30 तक मैं रोटी वोटी पापा की बना के कोको पूछी की भी रोटी बना दूंगी, है ना, कोको पूछी की भी रोटी बना के उसके बाद मैं आराम से जाऊँगी वहाँ पर मम्मा के पास 10:30 तक। फिर सुबह मुझे फटाफट जल्दी वापस आना, क्योंकि ऊपर मुझे सोन चाची को मतलब सोन चाची के बच्चे और डॉल चाची के बच्चे दोनों ऊपर राखी बांधनी, क्योंकि वो चले जाते हैं नानी के घर। चैरी अभी नहीं जाएगा, तो मैं 1:30 बजे चैरी को राखी बांधूंगी और कन्नू को भी 1:30 बजे का, क्योंकि मैंने सुना कि मुहूर्त जो है वो 1:30 बजे के बाद ही है, तो बेटर है मैं 1:30 बजे के बाद ही बांधूँ। उनको तो जाना है ना, नहीं जाना होता तो मैं उनको भी 1:30 बजे ही बांधती। हेलो, क्या कर रहे हो? अभी चाची मेरे पास आई और कहती कि ना मेरा वेट लूज हो गया, मेरी सारी पैंटे ढीली हो गई है, और मुझे आके पैंटे दिखा रही। चेहरी बंद करियो। अब चेहरी एक बात है, इसमें कितना सच है? थोड़ी थोड़ी है। क्या लग रहा है? अच्छा, आपने सच में लग रहा है? अरे वैसे आपने वेट चेक करा अपना? नहीं, मैं अभी जाऊंगी गुरुद्वारे में जो है ना वेट मशीन, वहाँ चेक करके, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चेक करा था, सही बताओ तो 61 आया था, 61 पॉइंट समथिंग कुछ था, पर अभी मैं देख कर आऊंगी कि फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। क्यों, मेरे साथ जब आप गए थे तब तो आपका 64-67 कुछ था। 67 कितने था? फिर 67 मम्मी का है शायद। नहीं, तेरी मम्मी का 67 है, मेरा आपका 61 था। मेरे जिंदगी में आज 67 नहीं हुआ। ये 59 तो मेरा है। हाँ, तेरा 59 है ना, तो जब लास्ट टूर में चेक करके आया ना, तेरा मेरे से ना 1.5 पॉइंट कम था, और मेरा एक या 1.5 पॉइंट ज्यादा था मेरा। या फिर अच्छा, आपकी हाइट भी तो कम है ना। कितनी कम है? पर चाची नहीं यार, फिर आपके मसल्स वगैरह स्ट्रांग नहीं है, मुझे लगता है आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग नहीं है। मेरी हड्डियाँ मजबूत है। अगर आप जैसे आपका बेटा ना इतना 16 ही होना चाहिए। थोड़ी हड्डियाँ भी कम होने लग जाती है ना, तो पेट बढ़ेगी, हड्डियाँ कैसे कम हो जाएगी? स्ट्रांग चाची, स्ट्रांग। अच्छा, स्ट्रांग में हड्डियाँ गायब थोड़ी हो जाएगी, स्ट्रांग की बात ही तो हो रही थी देर से। चेरी तेरा कितना बेटा है? अब बताओ आप, कौन 2 लोगों का फर्क बता सकते हैं? कोई 5 किलो का फर्क है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है ना। चले आ रही है, आप रहने दो के भाई, जाओ भी देख के आना, वेटर फोटो खींच के आना, इसकी व्लॉग बना के आना, ठीक है? अच्छा, अभी जाती हूँ, 8 बजे खुला होता है ना। हाँ, जाओ, ओके भाई, चलेगी मेरे साथ? हाँ। तो मैं आ गई थी फिर से मम्मा के पास, कन्नू अभी भी गया है, निक्की चाची ने मेरे को पैक करके वो दिए थे राजमा चावल, जो कि बहुत बहुत टेस्टी थे और मैंने खा लिए हैं। तो अब मैं और मम्मी बैठ के ना देख रहे रेडी मूवी। ये मूवी हमने बहुत देखी है, बहुत, मतलब एक ये हो गई, एक बजरंगी भाईजान, हम आपके कमरे में बैठ के कितनी, एक बार तो कितनी मूवियां देखते थे हम। और एक ये कौन सी थी, वो जो बोल बच्चन, हम वो छोड़ो, हमने हम सब बैठ के कितनी मूवियां देखते थे, आप, मैं, कन्नू, गोलू, सब देखते थे है मम्मी। और गाइस, अगर मेरे पापा जैसे भारत पुराने गाने सुनते थे, तमाशे, हाँ, हंगामा, हंगामा हंगामा हो गई, ये हम टीवी में ही देखते थे सारे। हमने कब कैसे देखी है वो, थी सीडी प्लेयर होता था उसी,
तो गाइस हम पता क्या करते थे, हम पापा ने ना मेरे को बाहों में आ रहे, पापा ने ना मतलब हमें हर चीज लेके दी है, चाहे वो कैमरा हो गया, चाहे वो डीवीडी हो गया, मतलब कितने है सारी चीज लेके दी है। कैमरा दिया था तो क्या हाल कर, मैं तोड़ा ही थी गाइस, मैं बताऊंगी अभी स्टोरी। मैं ना वहाँ ट्रिप, मैं ना पहली बार ट्रिप पर गई, 8th क्लास की ट्रिप थी, स्कूल ट्रिप हमारी सोनी का। तो हमें लेके गए वहाँ पे मैक्लोडगंज, तो मैं बहुत एक्साइटेड, उसमें सिर्फ 6,000 रुपए लिए थे और मुझे पता है मैंने हाथ पैर जोड़ मम्मी और पापा को कैसे मनाया था। और मैंने कैमरा मना किया था, मतलब पहले बताओ, नहीं मान रहे थे ना पापा, बिल्कुल नहीं मान रहे थे ना। पता क्या हुआ, 8th में पापा को मैंने बहुत मनाया, नहीं माने 8th में, तो पापा माने। 10वीं में 2 साल बाद फिर ट्रिप आती, मतलब ऐसे 2-2 साल में आती थी मैंने, फिर 10वीं में पूरे 1 महीना लगी रही, पापा ने एंड में पैसे दिए, वो भी पता नहीं कैसे मान गए। आप मम्मी ने मनाया, मैं रोज रोती पिटती रहती थी, खाना नहीं खाती थी, वो तो मान गए थे अपने। तो उसके बाद फिर हम गए वहाँ, मम्मी ने मुझे बोला यहाँ पर छोटे वाला कैमरा था जो हाथ में लटकता था, मम्मी ने मना करती तू लेके नहीं जाएगी। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं लेके जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। मैंने हाथ में कैमरा था, अब ना वो ऐसे लटकने वाला था हाथ में, तो सबने फोटोज खींच ली, अब हाथ में ना मैं पानी में घुस गई, हाथ पैर में रख के बैठी हुई, बाद में 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि कैमरा पानी में जाके गीला हो चुका सारा है, ठीक ही नहीं। उसके बाद हमने बहुत कोशिश करी उसको ठीक करने, ऊपर वाले कमरे में आज तक दिखाऊंगी गाइस, क्या पता ठीक हो जाए। तो मैंने बहुत कोशिश की, वो हुआ नहीं ठीक, अब शायद ठीक हो जाए, एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, तो चलो देखेंगे वो तो। और बाकी ये बताओ मम्मी कि चार आम चावल खाए आपने भी ना, अच्छे थे ना? नहीं खाई। तो मम्मा तो खा सकते नहीं, इसलिए मम्मी बैठ के दाल खाई थी जो इन्होंने भी दी, और एक दो और कोफ्ते और कद्दू की सब्जी, और बहुत लाइट होता है उनका ना टेस्ट वेज। तो गाइस मैं ना कल भी ये ओएस लेकर आई थी, छोटा पैकेट था, खत्म हो गया था, तो आज मैं बड़ा ले आई, मैंने कहा ये अच्छा लगता है, चर करती रहो ना बैठे बैठे। और साथ में मैं लाई थी क्रीम फिल की टॉफीज, जो मम्मी को तो बिल्कुल मना है। चल मम्मा बैठ के रेडी देखते है ना। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर जस्ट अभी अभी, और अभी बज रहे हैं 10:30, अभी ऊपर जानी है मुझे सोन चाची मतलब ईशू को और रिधम और रिशित को, दोनों को राखी बांधनी, क्योंकि उन्होंने जाना नानी घर, तो मैं फटाफट नहा रही हूँ बस, नहा कर मतलब अभी नाइट सूट में उनको राखी बांध लूँगी। 1:30 बजे फिर मैं तैयार होंगी, चैरी कन्नू नोनी सार्थक और काकू के लिए, तो उनको राखी बांधनी है, फिर उसके बाद फिर वही रूटीन, मम्मा के पास जाना है हॉस्पिटल। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर, सबसे पहले राखी बांधनी है मुझे मेरे छोटे से भाई को जो है लड्डू गोपाल जी, नीचे भी दो हैं उनको मैं बाद में बांधूंगी, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं राखी बांधती हूँ इनकी, और साथ ही साथ गोलू की जो राखी गोलू दे कर गई है वो भी इनको बांधूंगी। तो गोलू के साथ ही मना रहे हैं हम ये वाला रक्षाबंधन, क्योंकि वो जस्ट अभी कल ही आई थी और राखी और आशीर्वाद दे कर गई है सबको। तो गोल्डी चाचू ने सुबह सुबह ओए होए होए आज सुबह सुबह चीना आ रही है, यार टेस्टी लग रहा है, पास्ता अभी खाऊंगी, पूछी खाएगी मैक्रोनी बनाई, चलो सही है, थैंक यू। तो सार्थक चले गए मंदिर, और मतलब हमारे घर में ऐसे लाइन वाइज बांधते, पहले ईशु को, फिर सार्थक को, फिर नोनी को, फिर चैरी, मतलब जितने बच्चे लाइन से आते हैं कन्नू हमेशा लास्ट में बंधवाता है, मतलब उसका यही राय है कि वो उठेगा फिर बंधवाएगा, तो मैं इन सबको पहले बांध कर फिर कन्नू को बांधती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे सेवा मेरी चल रही है, यहाँ पे मेरे को चाची ने नींबू पानी दिया है और यहाँ पे चाचू ने बनाई है मैक्रोनी, ये खा पी के बाकी नोनी और ईशु को मैं बांध चुकी हूँ क्योंकि उन्होंने जाना है, अब सार्थक का वेट हो रहा है, सार्थक जैसे ही आएगा फिर फटो, वो मंदिर चले गया, वो पहले कहाँ गए थे दोनों, जब मैं पहले भी तो गए हुए थे ये बड़े, हम दूसरे मंदिर गए थे, सार्थक एक और मंदिर जाता ना जो रेगुलर, अच्छा अच्छा, डॉली चाय देखना सिम में, बस चाय डॉली को चाय, मैं बस ये सोचू काश मम्मी भी आज छुट्टी हो जाए थोड़े 2-3, मैंने मम्मी को ना कब से बोल रही थी कि आप मतलब पहले चले जाओ हॉस्पिटल, पहले चले जाओ ताकि ना मतलब राखी के टाइम पे मम्मी फ्री हो जाए, अब मम्मी ने हेमा मासी को दिया राखी वो बांध के आएंगी, मामा भी आ नहीं सकते ना बेटा, जो टाइम होता है ना जो लिखा होता है वही होता है, किस वक्त में जो होता है, चलो कोई बात नहीं भैया, कोई नहीं फटाफट ठीक हो गया मम्मी, बस ठीक अगर आ गया राखी तो फिर आती रहेगी, मम्मी ठीक हो गया आ जाएगी, लेकिन चाची अब ना बहुत फर्क पड़ गया है, और इतने लोग आए ना वहाँ पे मम्मी को, जब गोलू का ब्लॉग देखना इतने लोग मिलने आए थे ना, इतने लोग, सारी नर्सेज हो गई, मतलब बहुत लोग आए थे, एंटीबायोटिक जाती है ना अंदर, एंटीबायोटिक वही मम्मी को बैलेंस कर रही है, घर में एक्चुअली ध्यान नहीं अपने पर जाता था ना मेरे, हाँ। क्योंकि ये बंदा खाली वो खाली कोई बात नहीं, दवाई टाइम से बंदा नहीं, चलो सही है अब मम्मी फटाफट सही होके आ जाए, मम्मी बस फटाफट बंदा होके आएगा, और कोई बात नहीं। सो बस गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, जितने भी मैंने सबको राखी बांधी वो आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी,
क्योंकि एक वो स्पेशल ब्लॉग होगा ये जो मैंने अभी जो चल रहा था वो आपको दिखा दिया। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर। और आप सब विश करना कि मेरी मम्मा फटफट जल्दी से ठीक हो जाए।